प्लीज गाड़ी तेज चलाइए। नहीं निकलने दूंगा उन्हें, तुम चिंता मत करो, पकड़ लेंगे हम उन्हें। ये मले का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहां रह गया मिस्टर इंडिया? हेलो अभी अभी कहां है तू? सबको कुछ छोड़ने के चक्कर में शहर तुम छोड़ दिया ना तूने, मुझे पता नहीं यहाँ कितना बड़ा बवाल हो रहा है यार। अभी यहाँ एक पंगा हो गया यार। मले मले अपू तुम इससे बात करो, अभी का फोन है। ये मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो मैं आपको मैं राजिंदा। हेलो फोन कट हो गया। ये कल्पना की बेटी अब तुम मलय के साथ क्या करेगी? तुझे पता था ना कि वो मलय के साथ है, फिर भी तूने झूठ बोला ना? मेरी कोई गलती नहीं है माँ। बता दो। हम लोग रास बिहारी मंदिर गए थे। अरे काकी आप? मले बेटा तुम मेरा एक काम करोगे प्लीज? जी काकी बोलिए ना। तुम इसे प्लीज कट ऑफ कर दो। हिम्मत तो देखो कल्पना की, क्या समझ रखा है उसने हमारे मले को? मले वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ चले गए ये लोग? ये तो वही कार है। हेलो तुम कहाँ रही हो? जाके गाड़ी में बैठो। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी, प्लीज चलो। अरे तुम नहीं जा सकती यार, अंदर गुंडे होंगे, मैं इसलिए जाओ अंदर गाड़ी बैठो। नहीं ठीक है, अंदर खतरा है ना, इसलिए साथ चलते चलिए। अरे अप्पू मेरी झांसी की रानी, ये तुम्हारा दूसरा दिन है घर के बाहर, तुम नाजुक की जान हो यार, अंदर और भी गुंडे हो सकते हैं, मैं इसलिए जाओ। नहीं प्लीज, टॉपर मेरी बहन है, उसे बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी, और आप ही नहीं कहना कि अंदर खतरा हो सकता है, अंदर और भी लोग हो सकते हैं, तो आपका अकेले जाना भी तो अंदर रिस्क है ना, तो चलिए सामने। अरे कैसे समझाऊं यार, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें बात भी दी है। अबे कहाँ जा रहे हो, पहले हमसे तो मिलो। Thank you.
मलय। मलय का फोन भी नहीं लग रहा, अरे कहाँ रह गए ये दोनों, अब तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था। कल्पना मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? कोई गड़बड़ नहीं होगी माँ, मेरी ओपू बहुत समझदार है और उसके गले में जब तक वो तुलसी की माला है उसे कुछ हो भी नहीं सकता, और वो उसे नीला होने से भी बचाएगा। बस बेचारी बारिश में फंस गई होगी कहीं, बस अभी आती होगी, चिंता करो ना। एजे आ गए। ओपू तुम लोग आप लोग यहाँ इस वक्त? बड़ो दीदी सब ठीक तो? तुम्हारे रहते सब ठीक कैसे रह सकता है कल्पना? ये क्या कह रही है आप, मैं कुछ समझी नहीं। सब समझती हो तुम कल्पना, और मैं भी तुम्हारी हर चाल समझ रही हूँ, इसलिए अपना ये खेल खेलना बंद करो वरना। चाल खेल ये सब क्या है? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो कल्पना, तुम्हारी झूठी बातों के लिए ना ही मेरे पास वक्त है और ना ही सब। अभी ने हमें सब बता दिया है कैसे तुमने अपनी माँ की झूठी चोट का बहाना करके अपनी बेटी को मेरे मले के साथ भेज दिया। बहाना? मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच कहा। बढ़िया है सच कहने वाली, अपनी मदर को इतनी बड़ी पट्टी बांध रखी है और इनका फेस देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि इन्हें दर्द वर्द हो रहा है। मले को तो तुमने ऐसे जताया जिससे इन्हें बहुत बड़ी चोट लगी हो। हाँ ना दीदी, माँ को तो बस हल्की सी चोट आई है और इसीलिए डॉक्टर ने इनको जल्दी से डिस्चार्ज दे दिया। कल्पना कुमकुम, कल्पना आखिरी बार कह रही मेरे मले से दूर रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अभी से तुम सलाह समझे, से तुम सलाह समझे था या चेता। और दीदी ये आप क्या कह रही है, मले भी तो मेरे लिए बेटे जैसा ही है। तो कुछ नहीं है मले तुम्हारा, कोई रिश्ता नहीं रखना हमें तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के साथ। दुर्भाग्य से तुम हमारी पड़ोसी हो वरना तुम्हारी तो परछाई भी ना पड़ने दे हम अपने परिवार पर। यहाँ मोहल्ले में कोई भी तुमसे रिश्ता तो दूर की बात है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहिए। शक्ल भी नहीं दीदी, बस जितना कहा है उतना ही करो। मेरे बेटे मले को अपने माया जाल में फंसाने की कोशिश करना बंद कर। माया जाल फंसाना? वैसे मले को फंसा कर मुझे क्या मिलेगा? मनीष ही तो चाहती हो ना तुम, शुरू से यही तो प्लान था तुम्हारा। दीदी ये ना बचपन से मले और अप्पू को नजदीक लाने की कोशिश कर रही है ना? दीदी ये आप क्या कह रही है, आप बिल्कुल गलत समझ रही है। चुप करो, तुम अप्पू को मले के गले बांधना चाहती हो और हमारे पैसे पे ऐश करना चाहती हो। यही ट्रेनिंग दी है ना तुमने अपनी डॉटर को, है ना? बोलो दीदी। आप तो समझदार हैं। आप प्लीज इन्हें समझा दीजिए कि कम से कम मेरी बेटी के बारे में ये सब ना कहे। उस वक्त बस एक इमरजेंसी थी और मले भी उसी वक्त वही था, इसीलिए मैंने उससे मदद मांग ली। मेरे इरादे बिल्कुल गलत नहीं थे। बंद करो अपना ये ड्रामा। कल्पना तुम जो कर रही हो और करना चाह रही हो वो कभी नहीं, वो कभी नहीं, क्योंकि मैं मले को लेकर वापस लंदन जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मले मले मले
कुछ नहीं होगा आपको। मले मले प्लीज आके खोलो। नहीं, मैं यही हूँ, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ उठो मले, मैं आपको लेके चलती हूँ, चलिए। ठीक है, मैं जाती हूँ, मैं बस अभी आती हूँ हेल्प लेके। बस अभी आ रही हूँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। नहीं हो सकता, मलय लंदन वापस नहीं जा सकता। बेटा मेरी बात मान जा, वही है वही जो राम रची रखा। बेटा इसे भगवान का इशारा समझकर अपने बच्चे की जीत को भूल जा, भूल जा बेटा। ये बदला सिर्फ मेरी जिद नहीं है, मेरी जीने की वजह है। मेरे इतने सालों की तपस्या को मैं इस तरह खाली जाते नहीं देख सकती। मेरी तपस्या का अंत इस तरह नहीं हो सकता। मेरे ही गुनेगार मेरे सामने से बचकर नहीं जा सकते मां। इससे पहले कि मैं हार मान लूं, मैं अपनी जान दे दूंगी। कल्पना, बेटा ये तो क्या बोल रही है, सुना? इतने सालों से तुझे पूजा है माँ, और इसका सिला अगर यही है तो मैं भी कसम खाती हूँ, जिस दिन मलय यहां से गया उस दिन मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। क्योंकि हार कर मैं उसके सामने नहीं जा सकती। ये पागलपन नहीं, ये तो बस माँ के लिए एक छोटी सी भेंट है, ताकि वो मेरी और उसकी सालों की तपस्या को इस तरह भंग ना होने दे। अब इतने इंतजार के बाद मलय तो इस तरह वापस नहीं जा सकता, और मेरे जीते जी बिल्कुल नहीं।
यहाँ तो कोई नहीं है। कृष्ण ठाकुर, अब मैं क्या करूं? कोई है? कोई है यहाँ पे? प्लीज रोकिए, गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए, प्लीज गाड़ी रोकिए। मले,